अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में देखने जा रहे हैं HTML का लेक्चर नंबर 4। लास्ट वीडियो में मुझे पढ़ रहा था वो था पैराग्राफ्स के बारे में और कुछ टैग्स थे उसके। फॉर बीआर का टैग था, बोल्ड का टैग था, स्ट्रॉन्ग का टैग था, इसी तरह मार्क का टैग था जो मैंने लास्ट वीडियो में पढ़ रहा था। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एट्रीब्यूट्स के बारे में। क्या एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? HTML एट्रीब्यूट्स एट्रीब्यूट्स आर ऑलवेज स्पेसिफाइड इन द स्टार्ट टैग। ठीक है, कहता है जी कि जो आपके पास HTML एट्रीब्यूट्स होता है ना, वो हमेशा ही आपके स्टार्ट टैग में लिखा जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने जैसे आपको बताया था कि हमारे पास ये होता है स्टार्ट टैग। ठीक है, इसके मिड में कोई चीज़ लिखी जाएगी, मतलब कंटेंट लिखा जाएगा, कुछ भी लिख लें आप, HTML। ठीक है, HTML एट्रीब्यूट्स, ये स्टार्ट टैग, ये इसका अंदर है एंड टैग। ठीक है, तो वो कह रहा है कि जो आपके एट्रीब्यूट्स होते हैं ना, वो लिखे जाते हैं स्टार्ट टैग के साथ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जैसे लास्ट वीडियो में भी आपको दिखाया था कि इसका हम कलर चेंज कर सकते हैं, जैसे कि स्टाइल कलर। ठीक है, ये इसका पिंक कर दें आप इसको, बेशक कंट्रोल एस करो, ये देखिए HTML एट्रीब्यूट्स पिंक कलर का हो गया। ठीक है, तो कह रहा है कि जो पहले आता है वो नेम होता है उसका, और जो बाद में आता है वो उसका उसकी वैल्यू होती है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे पहले स्टाइल आ रहा है, बाकी उसकी वैल्यू है। उसके बाद HREF एट्रीब्यूट्स लिंक, कहता है HTML लिंक्स आर डिफाइंड विद ए टैग, क्योंकि HTML में जितने लिंक्स होते हैं ना, उसे हम डिफाइन करते हैं ए टैग के साथ। द लिंक एड्रेस स्पेसिफाइड इन द HREF एट्रीब्यूट्स। ठीक है, ये एक एट्रीब्यूट है और लिंक हम इसी में देते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए टैग, ये देखें। अब वो कह रहा है कि आपने किस वेबसाइट का लिंक देना है यहाँ पे, तो हम देते हैं गूगल का लिंक दे देते हैं यहाँ पे। ठीक है, मैं इसी को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ओके, तो पेस्ट, ये हमारे पास आ गया गूगल का लिंक। तो इस अब हमने देना है यहाँ पे कॉन्टैक्ट गूगल। ठीक है, कंट्रोल एस कर लें आप। तो इस तरह से हम देते हैं लिंक्स, इस पर क्लिक करूँगा तो ये मुझे कहाँ पर ले जाएगा, गूगल पे ले जाएगा, ये देखें। और अगर मैं ऐसे के बाहरी तरफ पैराग्राफ लिख दूँ, पी का टैग लगा दूँ, तो फिर क्या बनेगा? कंट्रोल एस, अब चेक करें इसका डिज़ाइन। अगर आप इसको हेडिंग वन कर दें, ठीक है, मतलब कि आप इसके साथ मल्टीपल टैग्स भी यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें। अब देखें हेडिंग से आपसे वो, अगर हम यहाँ पे H3 यूज़ करेंगे, इसका साइज़ भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा या डिक्रीज़ हो जाएगा उसी हिसाब से। तो इसी तरह इससे पहले ही हम देख चुके हैं पिक्चर लगाने के लिए, कभी टैग हम देख चुके हैं। ठीक है, उसके लिए हम करते हैं इमेज लगाने के लिए, इमेज का टैग यूज़ करते हैं। ठीक है, ये उसके पास हो, इसकी अगर तो मेरे पास ये इस तरह की फाइल पड़ी होगी तो वो चीज़ कर लेगा, नहीं पड़ी फाइल मेरे पास। ठीक है, तो तस्वीर हम लगाने के लिए हम ये वाला टैग यूज़ करते हैं, ये इससे पहले वीडियो में आपको मैं बता चुका था। इसके बाद HTML हेडिंग्स है, कहता है बाई डिफॉल्ट ब्राउज़र्स डिस्प्ले हेडिंग्स इन लार्जर एंड बोल्डर फॉन्ट देन नॉर्मल टेक्स्ट। कहता है कि जो ब्राउज़र्स होते हैं, जैसे कि गूगल हो गया, ओपेरा हो गया, ये हेडिंग्स को लार्जर शो करवाती हैं और फॉन्ट इनका बोल्डर होता है। ठीक है, आल्सो H1 हेडिंग्स आर डिस्प्ले इन द लार्ज फॉन्ट, और H1 H6 क्या है वो
स्मॉलेस्ट फ़ोन में शो करवाती है। जैसे कि हमने यहाँ पे H1 यूज़ किया है तो इसका साइज़ ये बड़ा हो गया, ठीक है। अगर हम यहाँ पे H6 यूज करते तो इसका साइज़ क्या होना था, छोटा हो जाना था। उसके बाद कहता है यूज H1 हेडिंग्स एज मैनी हेडिंग्स ऑफ योर वेब पेज फॉलो बाय द H2 हेडिंग्स। अगर मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ इसके हेडिंग को, ठीक है, बल्कि मैं लिखता हूँ इसको H1 हेडिंग 1, ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं हम H2 हेडिंग 2, और इसी तरह H3 कर लें आप, तो लास्ट वाली हमारे पास H6 होती है वैल्यूज़ की, ठीक है। कंट्रोल एस करें, अब इसको ब्राउज़र पे चेक करते हैं। तो ये देखें, ये होता है जी इसका H1, H2, H3, H4, H5 और H6। तो आपकी मर्ज़ी है, अगर हम जो गूगल वाला इस पर हम H3 करते हैं तो इसका साइज़ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। H3 मैंने यहाँ पे लिखा, तो अब देखते हैं इसको रिफ्रेश करते हैं, ये देखें इसका साइज़ कितना हो गया, हेडिंग 3 के जितना हो गया साइज़ इसका, ठीक है। तो इसके नेक्स्ट स्लाइड पे क्रिएटिंग हॉरिजॉन्टल रूल्स, तो हॉरिजॉन्टल रूल्स के लिए हम क्या करते हैं, एक टैग होता है हमारे पास HR का टैग, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट करता हूँ। अगर हमें दो पैराग्राफ लिखे हुए हैं ना, तो उसको आपको वो इस तरह से बीच में एक लाइन लगा देगा, ठीक है। अगर मैं HR को यहाँ पे यूज़ करता हूँ ना इस टैग में, ठीक है, कंट्रोल एस, तो यहाँ पे एक लाइन लग गई है, ठीक है। HR का टैग क्या करता है, हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देता है, और BR का टैग क्या करता है, ब्रेक लाइन लगाता है, ठीक है, वो ब्रेक लाइन होता है। और ये HR है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है के लिए यूज़ होता है, जैसे कि ये, ठीक है। और इसी तरह बाकी वो कह रहा है कि फ़ॉन्ट करने के लिए आप फ़ॉन्ट के साथ, जैसे कि मैं यहाँ पे इसका करता हूँ स्टाइल फ़ॉन्ट, ठीक है, फ़ॉन्ट, उसके बाद फ़ॉन्ट साइज़ कर लें, फ़ॉन्ट साइज़ आ गया, मतलब आपने इसका साइज़ कितना रखना है, आप इसकी वैल्यू दे सकते हो। मैं इसका 100 दे देता हूँ, 100 px pixels, ठीक है। तो ये एक्चुअली ये जो है ना, ये हेडिंग्स की एट्रीब्यूट है, इसकी प्रॉपर्टी है CSS की, सॉरी, ठीक है, ये प्रॉपर्टी है CSS की। तो हम जब CSS पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पे आपके मज़ीद जो है ना कंसेप्ट्स वो क्लियर हो जाएंगे। अगर मैं इसको 50 करता हूँ फ़ॉन्ट साइज़ का, तो फिर क्या देगा ये, इसका साइज़ कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये था एक उस टैग हमने जो भरा अभी। उसके बाद मैनेजिंग द वाइट स्पेसिस, HTML p मतलब कि पैराग्राफ टैग, द पैराग्राफ ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द न्यू लाइन एंड ब्राउज़र्स ऑटोमेटिकली एड सम वाइट स्पेसेस बिफोर एंड आफ्टर द पैराग्राफ। अगर फ़र्ज करें कि इसको मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट करता हूँ, यानी कि एक लिखा हुआ है पैराग्राफ, ठीक है, इसको पहले हम यहाँ से रिमूव कर दें, ताकि आपको बेहतर से समझ लग सके चीज़ों की। टाइम की सेविंग के लिए मैं इसको देखूंगा नहीं, जैसे यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लूँगा।
एक हमारे पास ये आ रहा है पैराग्राफ, दूसरा यहाँ से शुरू हो रहा है। तो इसको कंट्रोलर्स करें आप, तो ये देखें जिसमें हमने यूज़ किया हुआ है ना पैराग्राफ, ब्राउज़र जो है वो खुद ही सो रहा है, ऑटोमेटिकली क्या कर रहा है, वाइट स्पेसिस की क्या ख़त्म कर रहा है वो, ठीक है। ऊपर वाले में से अगर हम नीचे पास में नहीं लिखेंगे ना वाइट, उसमें स्पेस देंगे तो उसको वैसे के वैसे ही शो करवा देगा आपके सामने है ये, इसमें दोनों में डिफरेंस क्या हो रहा है। तो इसे नेक्स्ट स्लाइड है, डिफाइनिंग प्री फॉर्म्ड टेक्स्ट, द एचटीएमएल प्री एलिमेंट डिफाइंस प्री फॉर्म टेक्स्ट। तो अगर हमने एक वेबसाइट ये लिखते हैं, प्री का टैग यूज़ करते हैं, असल में ये एचटीएमएल इजी है, जस्ट आपको इसके टैग्स हैं वो याद रखने पड़ेंगे आपको कि कौन सा टैग किस मकसद के लिए यूज़ होता है, बस बहुत आसान है ये लैंग्वेज, जस्ट आपको इसके टैग्स याद रखने हैं, ठीक है। अब देखते हैं ये आपको क्या शो करवाता है यहाँ पे, ये देखें ठीक हो गया। तो अगर मैं इसको यहाँ पे लिखूँ ऐसे, तो फिर हमें ये क्या शो करवाएगा, ये देखें ठीक है। ये होता है जनाब हमारे पास प्री का टैग, इसके ज़रिए आप क्या कर सकते हो, कोई भी पोइम वगैरह लिख सकते हो आसानी के साथ। तो आज जो समरी है वो हमने, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी लिंक्स का, ठीक है। लिंक्स जो होता है ये वेबसाइट्स का डिफरेंट पेजेस को आपस में लिंक करवाता है, जैसे कि अगर हम वी की वेबसाइट पे जाते हैं ना, आपको थोड़ा सा मुझे समझा दूँ, नेट ही नेट ऑफ हो गया सॉरी। ये डिफरेंट वेबसाइट पे जो होती हैं, डिफरेंट वेबसाइट्स को उस वेबसाइट के डिफरेंट पेजेस के साथ लिंक करवाता है, ठीक है। तो लिंक का टैग बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इसको अच्छे से देखिएगा, इसकी प्रैक्टिस करिएगा, ताकि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बेहतर हो सके। जैसे कि हम अगर जाना चाहें सिक्योरिटी एंड सीएस के टैग पे पेज पे, तो हमें वो कहाँ पर ले जाएगा, ठीक है। तो ये पीछे भी इसके एक लिंक ही लगा हुआ है, अगर मैं क्लिक करता हूँ एम सी एस के, ठीक है, तो ये मुझे एम सी एस के पेज पे लेके आ गया, तो ये भी एक लिंक के थ्रू ही हुआ जो काम भी हुआ। तो वेबसाइट पे हम कैसे दौड़ते हैं जनाब, लिंक ही हम इधर आते हैं इस तरफ उस दूसरी तरफ, तो ये लिंक्स जो हैं ये सबसे इम्पोर्टेंट है आज के लेक्चर्स में। बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।